नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। दुर्गा पूजा का फेस्टिवल फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल पंडाल में सेलेब्स माँ का दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। इस बार भी बी टाउन सेलेब्स दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचे, जहाँ एक तरफ काजोल, रानी मुखर्जी और जया बच्चन की तस्वीरें वायरल हो रही है, वहीं ब्रह्मास्त्र की कास्ट ने भी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया। लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के कुछ महीनों बाद करीना कपूर खान ने अपनी हंसल मेहता के साथ आने वाली मर्डर मिस्ट्री पे काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए दो दिन पहले वह लंदन रवाना हो चुकी है। प्रभास की फिल्म आदिपुरुष का टीजर अब रिलीज हो गया है। इस टीजर का इंतजार फैंस को लंबे समय से था, लेकिन टीजर आने के बाद फैंस का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इसकी वजह फिल्म में इस्तेमाल हुआ खराब वीएफएक्स है, जिसकी वजह से फिल्म बुरी तरह से ट्रोल हो रही है। फिल्म आशिकी 3 का बीते दिनों अनाउंसमेंट हुआ था और इसमें कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया है। आशिकी के एक्टर रहे राहुल रॉय ने आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन की कास्टिंग को लेकर रिएक्शन दिया है। हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए राहुल रॉय ने बताया कि वह कार्तिक आर्यन की कास्टिंग से बेहद खुश हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.